हाय दोस्तों, राकेश किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वन मैन शो है अपन आपके लिए। आज तो आज डब्बे से शिकार करेंगे दोस्तों, इस तरीके के। तो सबसे पहले अपन चारा बना लेते हैं दोस्तों। अपना आंगनवाड़ी आटा और मैदा है अपना, फूड कलर डाला हुआ। थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं। तो चारा रेडी है, मैदा थोड़ा ज़्यादा, आंगनवाड़ी आटा थोड़ा कम। पकड़ के लिए आंगनवाड़ी में आटा, आटे में पकड़ नहीं होती है तो मैदे से पकड़ आ जाती है। ठीक है, आटा भी डाल सकते हैं, या सादे आटे से भी शिकार हो सकता है, सादे मैदे से भी शिकार हो सकता है। और फिशिंग वैसे भी दोस्तों रिलैक्स का खेल है, काम धंधे से लोग रिलैक्स करने आते हैं, तो इसमें ज़्यादा लालच करने का काम नहीं। आजकल होड़ चली है कि सबसे ज़्यादा मछलियाँ कौन मारता है, कौन पकड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, सब रिलैक्स का खेल है ये। फिशिंग का ओरिजिनल मतलब बोले तो रिलैक्स, काम धंधे के टेंशन से लोग रिलैक्स होके होने के लिए फिशिंग करते हैं दोस्तों। दोस्तों के साथ में इंजॉय, ये है फिशिंग का मतलब। आजकल होड़ मच्ची है, मछलियाँ कौन ज़्यादा पकड़ता, ऐसे कुछ नहीं है। ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे तालाब वाले को दिख गया तो तालाब पे पैर भी नहीं रख देगा वो, इसलिए काम पर तो शिकार करो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कभी कभार खाली गलों पे मछलियाँ लगती है। तो बाकी डब्बे भी रेडी कर लेते हैं दोस्तों। अपना झब्बू सेटअप रेडी है। कई लोगों का कहना है कि झब्बू फेंकने के बाद में कितना इंतज़ार करना चाहिए, लगभग एक घंटा, ताकि अपने को जैसे भी अपन चराई मारते हैं तो सबसे पहले चराई पे मछली जमा होता है, उसके बाद में इसको खाना चालू करता है, तो उसके लिए एक घंटा या सौ डेढ़ घंटा लगभग इंतज़ार करें। अगर चारा वापस आता है तो और अपना टाइमिंग चेंज बढ़ाए, वरना यही समय में एक घंटा या डेढ़ घंटे में अपने डब्बे का चारा चेंज करें, क्योंकि तालाब में दोस्तों बारीक मछलियाँ भी होती है, ज़रूरी नहीं रोहू या मिर्गल या जो भी कतला है बड़ी मछलियाँ खाएगी, छोटी मछलियाँ भी चारा ख़त्म करती है। ओ यार गरम, कितना गरम हो रहा है यार, गरम भी हो रहा है, बादल भी उठ चुके हैं, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो आए, पहला डब्बा चल चुका है दोस्तों, देख सकते हो। Thank you.
गाँव में काफी अच्छा साइज है, देख सकते हो काफी अच्छे साइज है, लगभग 1.5 या 2 किलो। दोस्तों पहला शिकार अपना लगभग आधे घंटे के अंदर डब्बा चल चुका है दोस्तों, इसका मतलब डब्बे को चारा अभी भी है। मौसम बिगड़ गया, तूफान बारिश चालू है, देखते हैं अगर यहाँ तक आती है तो ठीक है, ज़्यादा ही आ जाएगा तो डब्बे छोड़कर अपन कहीं जाकर छुप जाएंगे। बिजली भी हो रही है, बारिश भी चालू, खेल बंद करके थोड़ा गांव में रुके हैं, लगभग 1.5 या 2 घंटा हो चुका है, एक जैसी बारिश चालू है। अचानक नहीं नहीं तुम बना रहे क्या? एक आटा घुट पी लूंगा मैं, चाय वैसे पीता नहीं, एक आटा घुट पी नहीं।